हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? तो स्वागत हो गया आप लोगों का मेरे एक और नए व्लॉग में। तो गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए, क्योंकि हम लोगों को बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। लेट इसलिए हुआ क्योंकि कल बहुत थक चुके थे और आने के कारण हम लोगों को लेट हो गया थोड़ा नींद खुलने में। और हम लोग सब अभी फ़िलहाल रेडी हो चुके हैं, अभी जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए। नाश्ता करने के बाद हम लोग जाएंगे सीधा दरगाह, और दरगाह से हम लोग देखते हैं कहाँ जाते हैं। तो हम लोग अभी आए हैं नाश्ता के लिए, और ये होटल का नाम है कैप्टन। यहाँ का नाश्ता बहुत अच्छा होता है और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छी सर्विस देते हैं। तो नाश्ता में क्या क्या मंगवाई हूँ आप लोगों को दिखाती हूँ। हमने मंगवाया है चिकन फ्राई और नहारी मंगाया है, बहुत लजीज होता है यहाँ का, और नान मंगवाया है। तो यहाँ पे हम लोग अपनी अपनी चप्पलें जमा करवा रहे हैं। एक चप्पल के 5 रुपीस चार्ज करते हैं, और चप्पल देने के बाद वो लोग कूपन देते हैं चप्पलें वापस लेने के लिए। चप्पलें इसलिए जमा करवा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ होती है ना, सबका चप्पल यहाँ वहाँ हो जाता है। तो आइए चलते हैं अब दरगाह के अंदर। ये सामने जो दरवाज़ा मैंने दिखाया है, ये मेन दरवाज़ा है दरगाह के अंदर दाखिल होने का। इसके अलावा भी बहुत सा दरवाज़ा है, लेकिन हम मेन दरवाज़ा से दाखिल हो रहे हैं दरगाह के अंदर। गाइस, दरगाह के अंदर एंटर करते ही मिल जाएंगे फूल और चादरों की शॉप। राइट साइड भी है शॉप और लेफ्ट साइड भी शॉप है, ऐसे बाहर भी शॉप है, आपकी मर्ज़ी, आप कहीं से भी हदिया कर सकते हैं। इस दरवाज़े से दाखिल होकर राइट साइड जो रास्ता नज़र आ रहा है ना, ये अकबरी मस्जिद के अंदर जाने का रास्ता है। राइट साइड अकबरी मस्जिद तो मैंने आपको दिखा दिया, और इसी दरवाजे से दाखिल होकर लेफ्ट साइड ख्वाजा गेस्ट हाउस है। तो गाइज, गेट के अंदर एंटर करते ही लेफ्ट साइड ख्वाजा गेस्ट हाउस है, और हम लोग जा रहे हैं ख्वाजा गेस्ट हाउस के तरफ, और वहाँ से वज़ू करेंगे और चादरें हदिया करेंगे ख्वाजा बाबा को पेश करने के लिए। तो यहाँ हम लोग एक चादर सेलेक्ट कर चुके हैं और दूसरी चादर सेलेक्ट कर रहे हैं, और ये दूसरी चादर है जो हम लोग पेश करने वाले हैं ख्वाजा बाबा के दर पे। हाँ, अच्छा लग रहा है ये भी। हाँ, ठीक है। वो कहते हैं ना, अजमेर में जिसका बुलावा आ जाए उसे कोई रोक नहीं सकता। शायद ख्वाजा बाबा को मेरी तड़प की खबर लग गई और मुझे सडन अजमेर बुला लिया। 20 साल के बाद मैं अजमेर आई हूँ। जब मैं बहुत छोटी थी ना, तब मैं मेरे पापा के साथ आई थी, और अब आई हूँ अपने बच्चों के साथ। यहाँ हम लोग फैमिली फोटो निकलवा रहे हैं, क्योंकि अच्छी वक्त और अच्छी यादें कभी वापस नहीं आती, और बुरे वक्त में ना अच्छे समय की यादें बहुत सुकून देती है। हाँ, तो गाइज, इस जगह से आप निकलेंगे तो आपको सामने नजर आएगा बुलंद दरवाज़ा। ये दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी ने तामीर करवाया। दरगाह के अंदर एंटर करते ही सामने नजर आएगा बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाज़ा के अंदर आप दाखिल करेंगे ना, तो आपको राइट साइड में बड़ी देग की ज़ियारत करने को मिल जाएगी। तो अभी हम जा रहे हैं बड़ी देग की ज़ियारत करने के लिए। दुनिया के सबसे ज़्यादा मानने जानने वाली जगह है अजमेर शरीफ, और इस दरगाह के अंदर इंडिया की सबसे बड़ी देग। जी हाँ, ये है 4800 किलो की देग, और ये जो देग है ये आज से नहीं है, आज से 450 साल पहले अकबर बादशाह ने दी थी, और अभी तक ये लंगर इसी देग पे बनता है। जितना भी इसमें पैसा वगैरह डलता है सब दरगाह के अंदर में लगता है। अच्छा, जितने भी लंगर नियाज होते हैं दरगाह के अंदर में मेंटेनेंस का काम होता है। अच्छा। और इसमें जब खाना बनता है तो सेपरेट ही बनता है, जैसे कोई भी इज्जत करने वाला आता है वो अपनी तरफ से आके पेश करता है इसके अंदर। अच्छा। तो बनता है इसमें लंगर नियाज। अच्छा। ये अकबर बादशाह ने बनाया, वो जहांगीर बादशाह ने। और गाइस, ये ख्वाजा साहब के दरबार में ना बड़ी देग है, इस देग के अंदर 120 मन खाना बनता है।
बड़ी देग की ज़्यारत हमने कर ली और अब हम जा रहे हैं छोटी देग की ज़्यारत करने के लिए जो बुलंद दरवाज़ा के लेफ्ट साइड में है। ये छोटी देग है, इस देग के अंदर 60 मन का खाना बनता है। ये देग जहांगीर की तरफ से बनाई गई है। दोनों देग में मीठा चावल बनता है ज़ाफरान डालकर, ड्राई फ्रूट्स डालकर। दोनों देग के अंदर कोई भी नॉन वेज खाना नहीं बनता। इस दरबार में सभी धर्म के लोग आते हैं और बाबा का लंगर खाते हैं। और एक बात, जिसकी मन्नत होती है ना वो चाहे बड़ी देग या छोटी देग में खाना बनवा सकते हैं। ये जो सामने देख रहे हैं ना, हरिकेन जैसा बना हुआ, इसके अंदर बहुत सी हरिकेन लटक रही है। ये पहले जमाने में जब बिजली नहीं हुआ करती थी ना, तो ये हरिकेन जलता था और पूरे दरगाह को रोशन करता था। अब आप आगे चलेंगे तो ये आपको राइट साइड में महफिल खाना नजर आएगा। उर्स के टाइम यहाँ कवाली का प्रोग्राम होता है, बड़े से बड़े कवाल यहाँ खुद आते हैं। और सामने ये पानी का हौज देख रहे हैं ना, ख्वाजा साहब के दरबार में मलिका विक्टोरिया जब आई हाजिरी देने, तो उसने कहा हम जूते पहन कर अंदर जाएंगे, ये हमारी हुकूमत है, ये उनका कल्चर। तो जब वो हुजूर गरीब नवाज के दरबार के अंदर गई तो उसके बदन में आग जैसी लग गई, तो भाग के चीख मार के बाहर आकर उसने तौबा करी और ये बताया कोई भी अंग्रेज आने से जूते उतार के आए और ये हौज बनवाया हाथ पांव धोने के लिए। और ये जो मस्जिद देख रहे हैं ना, ये शाहजहानी मस्जिद है। शाहजहानी मस्जिद के ठीक सामने जन्नती दरवाजा है और यहाँ पे ख्वाजा साहब की बीवी साहबों का मजार मुबारक है। पूरी दरगाह की ज्यारत करवाएंगे हम आप लोगों को मेरे इस चैनल पे, लेकिन फिलहाल अभी चलते हैं चादर पेश करने के लिए। शाहू का शादू अली का दुलारा, ख्वाजा मेरे ख्वाजा, दिल में समझा। शाहू का शादू अली का दुलारा, ख्वाजा मेरे ख्वाजा, सवारी ख्वाजा मेरे ख्वाजा। तेरे दरबार में ख्वाजा नूर तो है देखा, चाय पानी का इंतजाम कराया गया है। हम लोग उस रूम के अंदर जा रहे हैं। मेरे पीर का सदका तेरा दामन है था जी, गली हर बना हमारी छाया है कुमार तेरा, जितना भी रश्क करे नहीं पिए गए, सुनिए ना, सुनने शाहबुद्दीन गोरी के फौज के वो कमांडर थे। जैसे टुकड़ी होती ना 5-7 हजार, वैसे ही आप जो है जंग करते करते वहाँ पर गए थे, तड़ागढ़ का जो हिस्सा था उन्होंने फतेह कर दिया, तो उनको सोते हुए शहीद कर दिया था। अच्छा, तो वहीं पर उनका मजार है समझा, उसके पीछे भी दरगाह है, उनका मजार है वहाँ पे। नकी और तकी दो भाई थे,
वो भी सी पे सलाह थे, उनकी भी पूरी आर्मी को सोते हुए शहीद कर दिया था, एक ही टाइम पर अटैक करा था। और अंदर जाके उनके साले साहब का भी मामू साहब का मजार के था, मां साहब का मजार। मगर वो हम लोग तारागढ़ पहाड़ पर तो पहले जाते आते थे ना, तो गए थे तो हम लोग को बोले थे कि ससुर को भी जो मजार गिन जैसे गिन गिन के जाओ वहाँ से फिर होल्ड कर देते ना, या एक बढ़ जाता है ऐसा मजार था है ना वहाँ पर। हाँ वो तो हजरत मीरा शाह दाता फिर वहाँ पर सिर्फ वाइट वाइट चादर हाँ मेहंदी चढ़ता है वहाँ, तो मेहंदी भी चढ़ती है मीरा शाह पे, मीरा शाह बाबा वहीं पे दाता मीरा, जितना गिनेंगे कम होगा। शाम को उठता हूँ क्योंकि यहाँ पर क्या होता है ज्यादातर फंक्शन भी होता है रात को ही होता है, रात को और रात को 3 बजे तक 4 बजे तक महफिल चलती है, वहाँ से महफिल से फ्री होकर आके सो जाते हैं, हम साइलेंट कर देते हैं। अब एक दिन पहले बताओगे तो उसमें क्या होगा कि नहीं कोई कल आओगे तो मेरे को टाइम से आना पड़ेगा, ये बात है। हमारे ज्यादातर केस में यही होता है, जब फोन नहीं उठता समझ लो तो सो रहे हैं। अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके फैमिली का हिस्सा जरूर बन जाइएगा। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।